देखिए, जो टूटा हुआ रास्ता है उसी रास्ते से ये भोले आ रहे हैं। ये माँ मनसा देवी का जो पैदल मार्ग है सीढ़ियों वाला, ये वो मार्ग है। अगर इसी तरह का दोबारा आ जाता है अगर लैंडस्लाइड, तो मेरे ख्याल से ये सीढ़ी पूरी तरह से रोड टूट चुकी है और श्रद्धालु इन्हीं कच्चे रास्तों से आ रहे हैं, जा रहे हैं जान जोखिम में डालकर। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल पूरी, मैं दिखाता हूँ आगे, ये पक्की सड़क थी बिल्कुल और ये पूरी तरह से टूट चुकी है। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों बारिश होने की वजह से जो वीडियोस आ रही हैं मैंने देखा, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि माँ मनसा देवी वाली रोड टूट गई है, पहाड़ नीचे आ गया है और लैंडस्लाइड हुआ है और रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो आज उस बात की सच्चाई के लिए हम चलेंगे माँ मनसा देवी और मैं आपको माँ मनसा देवी के दर्शन भी कराऊँगा और माँ मनसा देवी कैसे पहुँच सकते हैं आसानी से वो भी दिखाऊँगा, रोप वे वाला रास्ता भी दिखाऊँगा, बाकी सारी जानकारी दूंगा आपको। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में शेयर भी करिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल वी टू एक्सप्लोर में। इस समय दोस्तों मैं हरिद्वार अपर रोड पर हूँ और हरिद्वार अपर रोड पर जस्ट बिल्कुल माँ मनसा देवी जो गेट है उसके ठीक सामने हूँ। ये माँ मनसा देवी गेट है, प्रवेश द्वार है और इसी रास्ते से अगर आप अंदर जाते हैं दोस्तों तो आगे उड़न खटोला या आप रोप वे बोल सकते हैं उसका ऑफिस है, वहाँ से आप टिकट्स बुक कर सकते हैं माँ मनसा देवी जाने के लिए। और इधर अगर राइट साइड में अगर आगे की तरफ आप जाते हैं तो ये हर की पौड़ी जाता है रोड, हर की पौड़ी होते हुए आप भीमगोड़ा सप्तऋषि आश्रम और जो आपका पावन धाम है उधर की तरफ जा सकते हैं आप। और अगर आपको माँ मनसा देवी जाना है तो आपको इसी द्वार से जाना होगा। आगे एक रास्ता और है दोस्तों, थोड़ा आगे चलने 100-150 मीटर आगे चलने पे वो सीढ़ियों वाला रास्ता है, अगर उस रास्ते से आप जाते हैं तो आपको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं बच्चे हैं तो प्लीज़ आप उस रास्ते नीचे से लेके बिल्कुल ऊपर मंदिर तक वो रास्ते में सीढ़ियाँ हैं, अगर आपके साथ बुजुर्ग और बच्चे हैं तो आप इस रास्ते का इस्तेमाल करें। ये थोड़ी ही सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद 70-80 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको प्लेन रास्ता मिल जाता है और आप आसानी से माँ मनसा देवी जाकर दर्शन कर सकते हैं। ऐसा कुछ सुंदर दृश्य, ये अगल बगल में बहुत सारी धर्मशालाएँ या होटल हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं और माँ मनसा देवी जा सकते हैं। और जस्ट बगल में यहाँ से ये रोड है, यहाँ से नीचे जाकर आप इधर से इस मार्केट से होते हुए आप हर की पौड़ी क्षेत्र पर भी जा सकते हैं, जो वहाँ के प्रमुख घाट हैं वहाँ पर भी जाके स्नान कर सकते हैं और माँ गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। ऐसा कुछ दृश्य है माँ मनसा देवी प्रवेश द्वार के ठीक सामने का। आइए दोस्तों चलते हैं आज माँ मनसा देवी और मैं आपको माँ मनसा देवी छोटी छोटी बहुत सारी शॉप हैं, अभी बहुत सारी शॉप्स बंद हैं, कपड़ों की है और प्रसाद की है। सामने आप देख रहे हैं दोस्तों ये रोपवे का ऑफिस है जहाँ से आप टिकट्स ले सकते हैं रोपवे की उड़न खटोला की, यहाँ से आप दोनों जगह की ले सकते हैं, माँ मनसा देवी माँ चंडी देवी दोनों जगह की ले सकते हैं टिकट। ऐसा कुछ जो पैकेज है उसका मैं आपको रेट दिखा देता हूँ, ये पैकेज टिकट है 444 रुपये। अगर आपका पैकेज है तो ये वाला टिकट एंट्री गेट है, पैकेज टिकट एंट्री गेट, अगर आपने पैकेज लिया हुआ है माँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी दोनों जगह का। और जस्ट बगल में ही ये रास्ता है जहाँ से आप पैदल जा सकते हैं माँ मनसा देवी, जिधर से श्रद्धालु जा रहे हैं। 70-80 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको प्लेन रास्ता मिल जाता है। यहाँ पर ये शुरू में हनुमान जी का मंदिर है, जय हो बजरंग बली। और इधर से ये रोप वे जा रही है, देखें आप, इस समय रोप वे चालू है दोस्तों, उड़न खटोला सुचारू रूप से चल रहा है और भीड़ भाड़ भी श्रद्धालुओं की बिल्कुल नहीं है, तो आप आसानी से आए हरिद्वार और बहुत ही आराम से माँ मनसा देवी माँ चंडी देवी के दर्शन। सामने वहाँ से चलती हैं दोस्तों रोप वे सारी और नीचे ऑफिस है, काउंटर है, आप टिकट लें और वहाँ से आसानी से रोप वे से आप माँ मनसा देवी दर्शन कर सकते हैं 2 मिनट में। ऐसे ये टिकट काउंटर के बगल से ही ये रास्ता है और लगभग ऐसे होगा 70-80 सीढ़ियाँ होंगी और ये रोप वे देखिए आती और जाती है। सुचारू रूप से अभी चालू है उड़न खटोला माँ मनसा देवी वाला और ये ऐसे ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों को चढ़कर आपको आना है। आगे चलते और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये प्रसाद बेचने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो दुकानें थी अभी वो हटा दी गई है प्रशासन के द्वारा सुरक्षा को नजर रखते हुए। बाकी अभी यहाँ पर एक भी शॉप नहीं है, देख सकते हैं आप। स्कूटी बाइक से आप यहाँ पे खड़ी करके और आसानी से माँ मनसा देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पर ये स्कूटियाँ खड़ी हैं प्राइवेट, ये बोर्ड लगा हुआ है माँ मनसा देवी का। ये है माँ मनसा देवी का मुख्य प्रवेश द्वार, जो पैदल जाते हैं जिस रास्ते से, यही है वो द्वार इसका। अभी चलेंगे दोस्तों और मैं आपको पैदल चल के माँ मनसा देवी मंदिर ले चलूँगा और माँ मनसा देवी की दर्शन लूँगा, लगातार माँ के दर्शन के लिए आते हुए और कुछ श्रद्धालु माँ दर्शन करके वापस जाते हुए देख सकते हैं आप। ये उड़न खटोला है दोस्तों रोप वे, जिसके माध्यम से आप माँ मनसा देवी मंदिर मात्र 2 मिनट में पहुँच सकते हैं अपना टाइम और मात्र 2 मिनट लगते हैं इससे माँ मनसा देवी पहुंचने में मंदिर तक। थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे ये बैठने के लिए स्थान बनाए गए हैं, आप अगर थक जाते हैं तो यहाँ पर बैठ के थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। लगातार श्रद्धालु माँ मनसा देवी जी के दर्शन करके आते हुए, सुबह सुबह मोस्टली श्रद्धालु चले जाते हैं माँ मनसा देवी के दर्शन, क्योंकि दिन में धूप होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से थोड़ा चढ़ने में परेशानी होती है गर्मी की वजह से, इसलिए श्रद्धालु माँ मनसा देवी मंदिर सुबह सुबह जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस समय 9 बज रहे हैं और श्रद्धालु माँ मनसा देवी से दर्शन करके वापस आ रहे हैं। मेन जो रास्ता है दोस्तों माँ मनसा देवी का पैदल वाला, इस रास्ते पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बता दूँ आपको, जो ट्रॉली के पास से और पूरा माँ मनसा देवी तक रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, सेम ऐसे रास्ते कहीं से नहीं टूटा हुआ है। हाँ, लेकिन जो संपर्क मार्ग हैं, जैसे माँ मनसा देवी का जो पैदल वाला मार्ग है, वहाँ से अगर सीढ़ियों वाले मार्ग तक आप जाते हैं तो वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और बहुत ज़्यादा हुआ है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं आपको वीडियो में दिखाया जैसे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लैंडस्लाइड संपर्क मार्ग पर हुआ है, माँ मनसा देवी वाली रोड पर बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जैसा रास्ता होता है। संपर्क जो मार्ग है पैदल मार्ग और सीढ़ियों वाला मार्ग, उसके बीच में लैंडस्लाइड हुआ है। इस रोड पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से श्रद्धालु जा रहे हैं और माँ मनसा देवी के मंदिर जाके दर्शन कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु माँ मनसा देवी दर्शन करके वापस भारतवर्ष से आते हैं दोस्त, देखिए आप, महाराष्ट्रियन मेरे को लग रही है, साउथ इंडियन। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए ये राजस्थान साइड से आए हुए हैं श्रद्धालु, पूरे भारतवर्ष से आते हैं माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए, केवल एक दो राज्य से नहीं, भारत के सभी राज्यों से माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। ये यहाँ पर जल की व्यवस्था है, आइए देखते हैं जल है कि नहीं, प्यास तो मुझे भी लगी है, पानी है दोस्तों, थोड़ा पानी पी लो, मैं भी थक गया हूँ। यहाँ से देखिए पूरे हरिद्वार सिटी का सुंदर दृश्य दिखाई देता है, ये हरिद्वार का पूरा सुंदर दृश्य देख सकते हैं आप, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत, देखिए आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, आगे ये ओम पुल है और ये हरिद्वार सिटी पूरा यहाँ से दिखाई दे रहा है। सामने ये चंडी पुल है जो हरिद्वार को माँ चंडी देवी वाला जो मंदिर है वहाँ तक जोड़ता है, और ऐसा कुछ सुंदर दृश्य। ये जो आप देख रहे हैं ये नील धारा है, माँ गंगा का मुख्य धारा जो है नील धारा, और बाकी ये हरिद्वार सिटी देखें आप पूरा, लगातार श्रद्धालु माँ गंगा जी माँ मनसा देवी जी के दर्शन करके आते हुए, और बहुत से श्रद्धालु भी माँ मनसा देवी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर ये शौचालय हैं, इनकी व्यवस्था है यहाँ पर मेन गेट के बिल्कुल पास में, और यहाँ से सभी दुकानें हटा दी खाने पीने की और प्रसाद की, देख सकते हैं आप, यहाँ पहले बहुत सारी शॉप्स थी, अभी सारी हटा दी गई है यहाँ से, और आप बिल्कुल मंदिर के पास में आगे भी प्रसाद ले सकते हैं। ये
मेन मंदिर का रास्ता है। यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स थी अभी, यहाँ पर बिल्कुल माँ मनसा देवी का जो मेन गेट है, मैं बिल्कुल गेट पर हूँ। ऐसा कुछ सुंदर दृश्य है, और यहाँ पर ये बिल्कुल मेन गेट के पास भी आ गया, प्रसाद ले सकते हैं, जरूरी नहीं है नीचे से लें, आप यहाँ बिल्कुल ऊपर से भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ सुंदर दृश्य है, और अभी चलेंगे अंदर और माँ मनसा देवी जी के दर्शन करेंगे, और मैं आपको भी कराऊंगा। आइए चलते हैं अंदर और दर्शन कराते हैं हम आपको। इधर ये पानी की पीने की उचित व्यवस्था है, और ऐसा कुछ प्रांगण है माँ मनसा देवी का। लगभग सारी दुकानें बंद है, हटा दी गई प्रशासन के द्वारा, और श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा। देखिए सारी दुकानें बिल्कुल बंद है, पहले बहुत सारी दुकानें होती थी यहाँ पर खाने पीने की, प्रसाद की, लेकिन अभी लगभग सारी दुकानें बंद कर दी हैं। भाई मैं दिखाता हूँ आपको ऐसा कुछ दृश्य, ये प्रांगण में ऐसा श्रद्धालुओं की संख्या है, और आगे देखें तो आप ये माँ मनसा देवी जो ट्रॉली है, अगर आप रोपवे से आते हैं तो आप इसी रास्ते से आएंगे, आने और जाने का रास्ता यही है रोपवे का। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, आसानी से आप आ सकते हैं, और रोपवे के थ्रू बहुत आसानी से घूम सकते हैं। और ये दूसरी साइड का रास्ता है, जो दूसरा रास्ता है हरिद्वार पर रोड से सीढ़ियों वाला रास्ता। निःशुल्क जूते स्टॉल है, आप यहाँ पे जूते चप्पल जमा कर सकते हैं अपने, और इधर माँ मनसा देवी का जो प्रमुख द्वार है वो ये वाला है प्रवेश द्वार। और लगभग सारी दुकानें बंद है, मैं दिखाऊँ आपको, ये सारी यहाँ पे खाने पीने की दुकानें थी ये, और बुक्स स्टॉल था ये, और यहाँ पर भी खाने पीने की सभी दुकानें सभी बंद है इस समय। श्रद्धालु लगातार माँ मनसा देवी में आते हुए, सुबह से श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा है इस समय। और इधर से अंदर की तरफ जाना है, अंदर मोबाइल ले जाना और वीडियो फ़ोटो खींचना, मोबाइल ले जा सकते हैं लेकिन वीडियो फ़ोटो करना मना है, इसलिए मैं अंदर आपकी वीडियो और फ़ोटो नहीं दिखा सकता, यहीं तक ही है। फिर मैं दर्शन करके आता हूँ माँ मनसा देवी के, और फिर मैं आपको बाकी के सुंदर दृश्य दिखाऊँगा। ये ऐसा प्रांगण है माँ मनसा देवी मंदिर के अंदर का। क्या कर रहे हैं ये? मनोकामना वृक्ष है दोस्तों, और यहाँ पर आप धागा बांध के आप मनोकामना का और अपनी मनसा मांग सकते हैं, और मनसा हमेशा पूर्ण होती है, पूर्ण होने के बाद वापस आएं और उस धागे को खोलने की परंपरा है दोबारा। ये वैष्णो देवी मंदिर है प्रांगण के अंदर, ये वैष्णो देवी माँ के दर्शन करें, यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग माँ के दर्शन कर पाएँ और आशीर्वाद प्राप्त कर पाएँ। दोस्तों इस रास्ते से अगर आप आगे चलते हैं तो जो सीढ़ी वाला रास्ता है वो मिल जाता है आपको। ऐसा कुछ सुंदर दृश्य, और ऊपर देखिए पर्वत पे माँ मनसा देवी का मंदिर। ये यहाँ पर ये सामान भी यहाँ तक रख रहे हैं, उसके बाद पैदल लगातार देखिए पानी रिस रहा है, इस पानी के रिसने की वजह से ही ऐसा होता है। और ये रास्ता देखें आप, बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका है, और देखिए कितना मलबा है दोस्तों ऊपर से, बरसात में ऐसे ही होता है, और देखिए कितना पूरा रास्ता ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ऐसा है, ये मलबा चारों तरफ, पूरी तरह से रोड टूट चुकी है, और श्रद्धालु इन्हीं कच्चे रास्तों से आ रहे हैं जा रहे हैं जान जोखिम में डालकर। बिल्कुल देखिए बिल्कुल पूरी, मैं दिखाता हूँ आगे, ये पक्की सड़क थी बिल्कुल, और ये पूरी तरह से टूट चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और ये ऐसे मलबा देखें आप, सारा ऐसे बह के नीचे जा रहा है। देखिए जो टूटा हुआ रास्ता है उसी रास्ते से ये भोले आ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक हो रखा है इस समय, बिल्कुल है नहीं बिल्कुल भी रास्ता, बस जान जोखिम में डाल के सभी श्रद्धालु इस पार से उस पार जा रहे हैं। देखें आप बहुत ही खतरनाक, जस्ट ऊपर देखेंगे इसी, ये जो मलबा है इससे थोड़ा सा ही ऊपर आप देखेंगे, हल्का सा मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर, ये माँ मनसा देवी का जो पैदल मार्ग है सीढ़ियों वाला, ये वो मार्ग है। अगर इसी तरह का दोबारा आ जाता है अगर लैंडस्लाइड, तो मेरे ख्याल से ये सीढ़ियों वाला मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि इसी के जस्ट नीचे ये मलबा देखें आप, बिल्कुल इसके नीचे रोड के नीचे से ही लैंडस्लाइड होके ये सारा यहाँ पर रास्ता बंद हो गया है बिल्कुल।
तो अगर एक बार और आ जाए, अगर ऐसे ही अगर आता है, तो मेरे ख्याल से सीढ़ियों वाला रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। बिल्कुल उसके जस्ट नीचे ही आया है ये लैंडस्लाइड।